बाबर आजम की मेहनत पर पानी फेर दिया उस्मान कादिर और हसन अली ने। रमीज राजा बरस पड़े बाबर आजम को रोता देखकर, रमीज राजा भी बरस पड़े। उसके अलावा छोटे दिल वाले ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आगे हम आपको वीडियो जो क्लिप दिखाएंगे वो बाबर आजम उस क्लिप में रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं क्योंकि उस्मान कादिर और हसन अली ने एक एक ओवर में तीन तीन, दो दो छक्के लगवाए, चार चार भी लगवाए और पाकिस्तान को जीता हुआ मैच हरवा दिया। इसलिए अब रमीज राजा भी बरस पड़े हैं, वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे रमीज राजा वाला। उससे पहले आपको पता चलें कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने 122 रन बनाया। पीछे जब बॉलिंग की बारी आई तो पाकिस्तान के हसन अली और उस्मान कादिर को सही छक्के चौके लगे। अगर बात करें मोहम्मद हुसनैन और हारिस रऊफ की तो उन्होंने शानदार बॉलिंग की है। अगर नसीम शाह होता तो ये मैच पाकिस्तान जीत भी सकता था, लेकिन हसन अली और उस्मान कादिर ने पाकिस्तानी बैट्समैनों की पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। और उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान जो है वो हार चुका है और एशिया कप का फाइनल मुकाबला भी हारने से अब हारने के चांस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पीसीबी रमीज राजा कहते हैं कि इन खिलाड़ियों को अगर इस तरह परफॉर्मेंस रही तो इनको T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं करेंगे। मज़ीद गालियाँ भी निकाली इन खिलाड़ियों को, कहा कि उस्मान कादिर और हसन अली को सीखना चाहिए, अगले मैच में इनको शामिल कभी नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, कॉमेंट में लाजमी बताएँ।